दोस्तों 5G ऑक्सीजन का चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है। कल ही मैं हॉस्पिटल से आया था और सबसे पहले आपको बताया था कि 3 दिन के अंदर क्या हुआ। सरकार को जो उम्मीद थी उससे अच्छा खासा दोस्तों हमें कंपनियों ने पैसा खर्च किया है। 1.5 लाख करोड़ तक का स्पेक्ट्रम बिका है, जहां पे जियो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आंकड़े को टच कर रहा है, जो बहुत ही चौंकाने वाली चीज है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भी दोस्तों अच्छा खासा स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों बात करेंगे कि जियो किस तरह से 1 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेस करके नंबर 1 बनना चाहता है 5G के अंदर। उसके साथ साथ यूपी ईस्ट दोस्तों क्यों लोग यहाँ पे यूपी ईस्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा तो क्या है यूपी ईस्ट के अंदर जहां पे खास करके 1800 MHz का प्रीमियम बैंड, जो मिड बैंड, उसको परचेस करने में कमियां लगी हुई है। इन सारी चीजों को समझेंगे किस तरह से 5G दोस्तों भारत के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर 3 दिन की दोस्तों अभी तक ऑक्शन पे हो चुका है, चौथे दिन पे आ गई है बात। अभी तक आप बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम परचेस किया है रिलायंस जियो, ऑलमोस्ट 84,000 करोड़, रफली 285,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 46,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया 18,500 करोड़ हो चुका। लेकिन अब दोस्तों कंपनियां यूपी ईस्ट की तरफ यहां पे जा रही है। यूपी ईस्ट के बारे में दोस्तों बता दूं कि पूरे भारत के मोबाइल सब्सक्राइबर की बात करो, यूपी की बात करो तो 10% दोस्तों यूपी ईस्ट के सब्सक्राइबर, ऑलमोस्ट 101 मिलियन सब्सक्राइबर है यहां पे, मतलब 10 करोड़ यूजर है। इनको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियां अच्छा खासा स्पेक्ट्रम परचेस करी, खास करके मिड बैंड स्पेक्ट्रम 1800 MHz, जिसका प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल 25% यहां पे बढ़ चुका है। स्क्रीन में देख सकते हैं डायल 1800 200 1800 जो है दोस्तों ये कंपनी इसके पीछे पड़ी। यहां पे बैटल फॉर यूपी ईस्ट पुशेस 5G ऑक्शन टू D4, चौथे दिन तक बात यहां पे पहुंच चुकी है। ये खास करके 1800 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम की बात चली, इसके साथ अलग अलग स्पेक्ट्रम यहाँ पे बिक रहा है। 1800 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम जो है यूपी इसके लिए, क्योंकि तीनों ही कंपनियां यहाँ पे बिड लगा रही तो डेफिनेटली रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बात की जा रही सी बैंड जो है 3.3 से लेकर 3.67 GHz, उसके साथ साथ यहाँ पे जो हाई बैंड है प्रीमियम बैंड 26 GHz, इन सब में दोस्तों जियोग्राफिकली दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कंपनियां लगाने वाली। चौथे दिन तक यहाँ पे बात आ चुकी है, अभी भी दोस्तों कुछ यहाँ पे स्पेक्ट्रम परचेस करेगा। इसलिए बोल रहा था कि 84,000 करोड़ जियो पहुंच चुका, वो 1 लाख करोड़ तक यहाँ पे पहुंच चुका है। 46,000 करोड़ दोस्तों एयरटेल पहुंच चुका, वो ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ तक जा सकता है। वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट 18,500 करोड़ पे, वो 20,000 से 22,000 करोड़ तक दोस्तों यहाँ पे पहुंच सकता है आज फाइनल कैलकुलेशन के अंदर। अभी तक सरकार को ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ तक का 16 राउंड की दोस्तों बिडिंग हो चुकी है यहाँ पे ऑक्शन की। 1.5 लाख करोड़ तक का दोस्तों बिडिंग सरकार को यहाँ पे मिल चुकी है। जहाँ पे बात करें दोस्तों यूपी इसमें तो कंपनियां दोस्तों अच्छा खासा स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेस कर रही है, अच्छा खासा स्पेक्ट्रम दोस्तों। सरकार को लग रहा था कि यहाँ पे 2015 में 1 लाख करोड़ का हुआ था, 1.5 लाख करोड़ दोस्तों यहाँ पे हो चुका है अभी तक यहाँ पे। और वैसे भी अश्विनी उसने बोल चुके थे कि ग्रामीण विस्तार के अंदर कंपनियां ज्यादा भाग लेगी, क्योंकि वहां पे अभी जो सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस जियो की बात करें दोस्तों यहाँ पे यूपी इसके अंदर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे लगा रहा है, वो थर्ड डे में भी तीसरे दिन भी पैसा लगाया था। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो ये भी दोस्तों यूपी इसके अंदर अच्छा खासा स्पेक्ट्रम परचेस करना चाहता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो रेट है यहाँ पे 4G स्पेक्ट्रम का, यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 25% तक का दोस्तों इंक्रीमेंट आया है मिड बैंड के अंदर। खास करके बात की जाए दोस्तों 1800 MHz का जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे यूपी सर्कल के अंदर, एयरटेल वोडाफोन आइडिया भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा हाथ मारना चाहते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना चाहते हैं। जियो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेस कर चुका है। जियो ने दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे खास करके 700 MHz का स्पेक्ट्रम भी परचेस किया, या 700 MHz पूरे भारत के लिए जिसको ये यूटिलाइज करेगा। ये दोस्तों मैंने बताया था ना आपको, अच्छा खासा हाई स्पीड आपको मिलती है और वाइडर रेंज आती है इसकी। एक टावर लगा के आप 5-10 गाँव को कैटर कर सकते हैं, ऐसी कैलकुलेशन होती है। थोड़ा महंगा था लेकिन जियो ने इसको यहाँ पे परचेस किया। खास करके अगर बात करते हैं यूपी इसमें तो 101 मिलियन यूजर रहते हैं, मतलब 10 करोड़ यूजर रहते हैं। इसलिए कंपनियां दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ज्यादा फोकस कर रही है। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर कितने हैं दोस्तों किसके यहाँ पे, जियो के नहीं है, एयरटेल के हैं दोस्तों, 37.46 मिलियन सब्सक्राइबर है। दूसरे नंबर पे जियो आता है ऑलमोस्ट 32.93 मिलियन सब्सक्राइबर। वोडाफोन आइडिया 20 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आता है। यहाँ पे BSNL दोस्तों ऑलमोस्ट 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आता है 10.91। तो सब्सक्राइबर के मामले में तो एयरटेल नंबर वाले, लेकिन कमाई के मामले में RMS रेवेन्यू पर मार्केट शेयर दोस्तों कितना यहाँ पे, तो 48.2% के साथ जियो नंबर आता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एयरटेल आता है 39.9 यानी 40%। VI का रेवेन्यू बहुत कम दोस्तों सर्कल के अंदर है, 9.4 यानी ऑलमोस्ट 9.5% का रेवेन्यू यहाँ पे निकल के आता है। अब कंपनियां दोस्तों यहाँ पे मिड बैंड जो है 1800 MHz कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ सभी जगह यहाँ पे यूज करने वाली। खास करके सी बैंड की बात करें, हाई बैंड जो है
वो इस सारे के सारे बैंड यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे इन सारे सर्कल के अंदर। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर और आसाम की, तो कंपनियाँ दोस्तों यहाँ पे 900 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ कर रही है, 2100 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा यूज़ कर रही है। बात करें दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2100 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिलेगा। 2500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सर्कल पर अलग अलग डिमांड यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। अभी तक दोस्तों अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे जियो लगा चुका है, ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ लगा चुका है। 46,000 करोड़ दोस्तों यहाँ पे एयरटेल लगा चुका है। ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ दोस्तों यहाँ पे लगा चुका है कौन, वीआई। तो ये कंपनियाँ दोस्तों और भी थोड़ा आगे जाके बढ़ के यहाँ पे स्पेक्ट्रम परचेस कर सकेगी। अदानी की बात करें तो अदानी दोस्तों अभी तक 1,000 करोड़ का यहाँ पे स्पेक्ट्रम परचेस किया, वो सिर्फ अपने नेटिव 5G कैप्टिव नेटवर्क को बनाने के लिए यहाँ पे आए थे, वो खुद की सर्विस यहाँ पे लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो 100 बात की एक बात दोस्तों निकल के आ रही है, अभी तक स्पेसिफिक सारी डिटेल तो दोस्तों 5G ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगी कौन सी कंपनी ने किस किस सर्कल पे कितना परचेस किया। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो जियो ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। एयरटेल दोस्तों ऑलमोस्ट 55,000 से 60,000 करोड़ तक जा सकता है। वीआई दोस्तों ऑलमोस्ट जो 5-6,000 लग रहा था लेकिन वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम परचेस कर सकता है। और भारत के अंदर दोस्तों यहाँ पे मतलब पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर अच्छा खासा स्पेक्ट्रम परचेस किया जाए, लेकिन खास करके यूपी इसमें कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है, और खास करके मिड बैंड स्पेक्ट्रम 1800 मेगाहर्ट्ज़। आप सोच रहे हैं 1800 मेगाहर्ट्ज़ में क्या होता है, दोस्तों ये आपको GBPS की स्पीड तो नहीं देता, लेकिन यही स्पेक्ट्रम है जिसको यूटिलाइज करके रीफार्म करके एयरटेल ने हैदराबाद में 350 MBPS की स्पीड दी थी। और अगर ऐसा ही होता है, अगर पूरे भारत में अगर ऐसी ही स्पीड मिलती है तो महंगे स्पेक्ट्रम की कोई जरूरत नहीं। अगर 1800 मेगाहर्ट्ज़ के सस्ते स्पेक्ट्रम में अगर आपको 200-300 MBPS की स्पीड मिलती है तो कंपनियां दोस्तों आपको वही देगी, क्योंकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता एज अ यूजर कि कंपनियां हाई बैंड यूज़ करती है, लो बैंड यूज़ करती है, मिड बैंड यूज़ करती है। हमें तो क्या है, अपने को तो सस्ता डेटा चाहिए और अच्छी स्पीड चाहिए। अगर कंपनियां दोस्तों 1800 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम को लेकर अगर आपको 100-200-300 MBPS की स्पीड देती है तो ये वेल एंड गुड होगा, सस्ता, टिकाऊ और अच्छा, कंपनियों के लिए भी अच्छा, कस्टमर के लिए अच्छा, सरकार को तो पैसा मिल ही रहा है। तो ये थी दोस्तों 5G ऑक्शन की चौथे दिन की अपडेट, जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा स्पेक्ट्रम पच कर रही है और आज हो सकता है कि जल्द से जल्द दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म होता हुआ नजर आए। लेकिन यूपी इसके अंदर कंपनियां ज्यादा दाव लगा रही, जहां पे 10 करोड़ यूजर यहां पे रहते हैं। तो अगर आप यूपी इसमें रहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है, जहां पे आने वाले टाइम में आपको 4G तो मिलेगा ही तगड़ा, लेकिन 5G की भी बेहतरीन सर्विस आपको देखने को मिलेगी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के तरफ से। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल है को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के तब उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए। हम 2,00,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाना चाहिए। जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटी के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, हमेशा भूल जाते हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।